हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बैताल फिर उस वृक्ष पर उल्टा लटक गया। उसने राजा विक्रम को हर प्रकार से भयभीत करने का प्रयत्न किया, परंतु राजा विक्रम भी अपने वचन और अपनी हठ का पक्का था। वो बैताल को अपने कंधों पर लाद कर फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ा। बैताल ने अपनी आदत के अनुसार उसे एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी चंद्रपुर के युवराज आनंद सेन की, जिसे शिकार का बहुत शौक था। एक बार वो जंगल में शिकार खेलने गया तो अचानक एक भारी तूफान आया और आनंद सेन अपने साथियों और अपने घोड़े से बिछुड़ गया। ये हमारे देश का नहीं, किसी और देश का लगता है। वेशभूषा से तो कोई राजकुमार लगता है। बेहोश है बेचारा, इसे पहले होश में तो लाओ। हम अवंतीपुर के महाराज धर्मवीर के सैनिक हैं। हम आपको सीमा उल्लंघन के दोष में बंदी बनाते हैं। किंतु देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है महाराज धर्मवीर के दरबार में कहिए। चलिए आप। अरे, आप सुमीर सेन के बेटे हैं? जी महाराज। हमारे परम मित्र के बेटे, आप अवंतीपुर के मेहमान हैं। अवंतीपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे सिपाहियों ने आपके साथ जो सुलूक किया है, इसके लिए हम आपके नहीं महाराज, इन्होंने तो अपना फर्ज निभाया है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं तो इनका आभारी हूं महाराज, क्योंकि इन्होंने मेरी जान बचाई है। अब मैं अपने राज्य वापस जाने की आज्ञा चाहूंगा। नहीं, जब आप आ ही गए हैं तो हमें आपकी सेवा का अवसर दीजिए। लेकिन महाराज, मेरे पिताजी। उसकी चिंता आप मत कीजिए, अभी राजदूत को भेजकर आपकी सुरक्षा की सूचना भेज देते हैं। और यह भी कि आप कुछ दिनों के लिए हमारे अतिथि हैं। महाराज धर्मवीर ने आनंद सेन को बड़े आदर सत्कार से अपने महल में रखा, उसे हर प्रकार की सुविधा दी। आनंद सेन ने जी भर कर खाया और खूब मजे की नींद सोया।
आपको शायद सरस्वती का वरदान है, बहुत मीठा गाती हैं। बेटा यह है मेरी बेटी राजकुमारी रूपवती। नमस्ते। नमस्कार। और बेटी यह है अनंत सिंह, चंद्रपुर के युवराज, हमारे अतिथि हैं। प्रसाद दो बेटी। प्रसाद इन्हें भी दो। बीना मिलेगी, आज हमारा मन बीना बजाने को कर रहा है। राजकुमारी रूपवती को भी बीना बजाने का बहुत शौक है महाराज। अच्छा, अच्छा। मैं अभी उन्हीं से मांग कर लाता हूं। राजकुमारी को भी बीना बजाने का शौक है। चंद्रपुर के युवराज आनंद सिंह जी ने वीणा बजाने की इच्छा प्रकट की। ले जाओ, युवराज से मेरा प्रणाम कहना। सुंदर वीणा बजाते हैं आप, लगता है आपकी उंगली में जादू है कोई। मैं ये जादू सुनकर खींची चली आई। आप मुझे अपने शिष्य बनाएंगे? शिष्य क्यों, मैं तो तुम्हें अपने दिल की रानी बनाना चाहता हूं। Thank you.
चिंता मत करो, मैं आज ही तुम्हारे पिता राजा धर्मवीर से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। कहिए युवराज, आनंद मंगल तो है? जी महाराज। इस महल में किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं? नहीं महाराज, आपने तो मुझे इतना मोह और प्यार दिया है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपके एहसानों का बदला कैसे चुकाऊं। इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। महाराज, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। हाँ हाँ, शौक से मांगिए, क्या चाहिए? महाराज वो हमें एकांत चाहिए। कहिए युवराज। महाराज, मैं आपसे राजकुमारी रूपमती का हाथ मांगने आया हूं। बेटे, हमें आपके ये प्रस्ताव पर कोई एतराज न होता अगर हमने पहले से ही किसी को वचन न दिया होता। हमने कुछ दिन पहले ही हमारी राजकुमारी का रिश्ता सुंदरनगर के राजकुमार के साथ तय कर दिया है। हमें अफसोस है कि हम आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सुनो, अगर मैं यहां किसी को बताए बगैर तुम्हें अपने राज्य ले चलूं तो तुम मेरा साथ दोगी? हाँ, तुम मुझे कहीं पे भी ले चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां पे कहीं घोड़ा मिलेगा? हाँ, नगर के बाहर हरि बाबू घोड़े के व्यापारी हैं, उनके पास बढ़िया से बढ़िया नस्ल के घोड़े हैं। ठीक है, मैं उनसे घोड़ा खरीदता हूँ और तुम संध्या होते ही शाही बाग के बाहर मेरा इंतजार करना। मैं वहां आऊंगा और अपने घोड़े में बिठा के तुम्हें तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरे पास सबसे अच्छे ये दो घोड़े हैं, एक ये बूढ़ा और एक ये जवान। जब ये दोनों भागते हैं तो हवा से बातें करते हैं। इनकी कीमत क्या है बाबा? जवान घोड़े की 50 मोहरे और इस बूढ़े की 100 मोहरे। जवान की 50 मोहरे और बूढ़े की 100 मोहरे, ऐसा क्यों बाबा? इसका कारण क्या है? कारण यह है बेटे कि यह बूढ़ा बूढ़ा एक बार दौड़ेगा तो बस दौड़ता ही चला जाएगा, वही रुकेगा जहां तुम उसे रोकोगे। अरे जवान जहां कहीं भी पानी देखेगा ठिठक कर एकदम खड़ा हो जाएगा। मगर ऐसा क्यों बाबा? क्योंकि यह पानी से डरता है। इसकी परनानी एक बार पानी से डर गई थी, फिर उसकी नानी डरने लगी, उसके बाद मां भी डरने लगी और अब ये डरता है। आनंद सेन वहीं खड़ा कुछ सोचने लगा। उसने मन ही मन कुछ फैसला किया और हरि बाबा से कहा,
ये लो बाबा सोम हो रहे और मुझे बूढ़ा ही घोड़ा दे दो। राजकुमार ने वो घोड़ा खरीदा, उस पर सवार हुआ और बिना राजकुमारी रूपवती को साथ लिए घोड़े को सरपट दौड़ाता अकेला अपने राज्य की ओर चल दिया। राजकुमारी वही खड़ी उसकी राह देखती रही। इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल रुक गया और उसने विक्रम से किया प्रश्न। बता राजा विक्रम, राजकुमार आनंद सेन राजकुमारी रूपवती को बिना अपने साथ लिए अकेला क्यों वापस चला गया? जल्दी बता वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। बहुत गहरी बात सोची थी उसने। जब उसे हरि बाबा से पता लगा कि उस जवान घोड़े की परनानी एक बार पानी से डर गई थी, फिर उसकी नानी उसकी मां और अब वो खुद भी पानी से डरता है, तो उसका माथा ठनका कि आज किसी की बेटी अपने मां बाप की इज्जत की परवाह किए बगैर उसके साथ भाग रही है, कल को अगर उसकी अपनी बेटी अपने प्रेमी के साथ इसी तरह भागेगी तो उसका क्या हाल होगा। बस यही बात सोच में आते ही आनंद सेन राजा धर्मवीर की इज्जत और सम्मान में बिना कोई आंच लगाए वापस अपने घर चला गया। ठीक तर्क से निर्णय किया तूने, अच्छा गणित किया, मगर तुम्हारी समस्या यह है कि निर्णय करोगे तो बोलोगे और मेरी शर्त यह है कि तुम बोलोगे और मैं जाऊंगा, तुम बोले मैं जा रहा हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महान झूठ है। विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल।